बात करेंगे टैक्स का खेल, महंगा तेल। जी हाँ, लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसी पर बात करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि जो केंद्र, जो कांग्रेस शासित राज्य है, वो सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं, इसीलिए उन प्रदेशों में बहुत ज्यादा कीमत है तेल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है, ये बात भी सही है। कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है। केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है, माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं, ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। आज कोरोना के समय में देश की अर्थनीति जिस प्रकार की खराब स्थिति में पहुंची थी, उस स्थिति में आमदनी राज्य सरकारों की हो या केंद्र सरकार की हो, आमदनी लॉकडाउन के कारण ना के बराबर हो गई थी। उस समय में जो टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रहित राशि है, उसमें हमने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए व्यवस्था किया है।